हेलो। हाय मैम। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माँ सो रही है। एकदम सुपर अरेंजमेंट किया है आपने। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ओह, थैंक्स। मेरे साथ डिनर करने के लिए फिर से एक बार थैंक्स। कल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, इसलिए रिस्क लेकर ही अरेंज किया है। क्या मैं सिर्फ आपको शिबा बुला सकता हूँ? शिबा, आई लव यू सो मच। क्या हुआ शिबा? कुछ नहीं। हम दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेंगे ना, पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा तुम्हें। जल्दी खाना खाओ और निकलो। ये ऊपर क्या गिरने की आवाज आ रही है बेटी? देखो ना, आप इसे पहले से जानती हैं क्या? वो बैग इसी का है क्या? ये आपका है? देखिए इसे। मैं इसे जानता हूं, इसे कहीं तो देखा है मैंने। ये बहुत ही खतरनाक गैंग का आदमी है, लेकिन ये आपके घर में क्या कर रहा है? मैडम, 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 देखिए आप डरिए मत, मैं ये सब संभाल लूंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? जिसके लिए ये आया था, मैं भी उसी के लिए आया था। शिवा, ऊपर क्या हो रहा है? नीचे कौन है? मेरी माँ। आपकी माँ ऊपर आ जाएगी, आप जाकर उनको संभालो। अरे जाओ मैडम, अब तक उस फ्रॉड पे भरोसा किया, थोड़ी देर मुझ पे भरोसा कर लो। अरे जाओ मैडम। Oh, God.
थी माँ, कुर्सी गिर गई थी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, आप सो जाइए। चले मैडम। कहाँ? बताता हूँ, आप गाड़ी निकालिए, सोचने के लिए वक्त नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वैसा कीजिए, गाड़ी निकालिए और साथ में वो बैग भी ले लीजिए। एक बात बता देता हूँ आपको, पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं आपके घर पे चोरी करने आया था, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे चोर बनना पड़ा, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी जो मैं आपके घर पहुंच गया। अगर मैं नहीं आता तो आप अपनी हालत सोच के देखिए, वो आपका वीडियो बना के वायरल कर देता। देखिए मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, आप गाड़ी निकालिए। पुलिस वाला आपसे पूछे ना तो आप कहना कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं सीट के नीचे छुप जाता हूँ। इतनी रात में कहाँ जा रही हैं आप? फिल्म देखने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। फिल्म देखने जा रही है सर? कौन सी फिल्म, कौन से थिएटर में, ये भी तो पूछो। अगर कौन सी फिल्म पूछे ना तो बोलना दृश्यम फिल्म, और थिएटर का नाम पूछा तो बोलना सत्यम, सत्यम थिएटर। कहाँ जा रही हो? फिल्म देखने सर। कौन सी फिल्म? दृश्यम। किस थिएटर में? सत्यम। ठीक है, जाओ। वो दृश्यम फिल्म देखने जा रही है सर। दृश्यम में अजय देवगन खुद मर्डर करता है और लाश को छुपाकर पुलिस वालों को घुमाता है सर। हाँ, लेकिन वो सब तो फिल्मों में होता है, हमारे साथ थोड़ी होगा। ये कौन सी जगह है? रुकिए, गाड़ी रुकिए। मैडम आप 10 मिनट यहीं रुकिए, मैं जाके आता हूँ। लास्ट में कैसेट बचा है तो मैं आपके सामने ये तोड़ देता हूँ, अब आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं अपना बैग ले लेता हूँ, अब आप जा सकती हैं। Yeah!
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुझसे यही पूछ रहा हूँ कि तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। ओ, तो साइको किलर को अकेले जाकर पकड़ने का फैसला कर लिया? देख सुन, अगर उस साइको किलर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया तो एग्रीमेंट के मुताबिक 2 में से 1 लाख रुपए मेरे होंगे। इसके अंदर उसकी पूरी डिटेल्स है। चल चल कर पकड़ते रहे। हाथ छोड़िए मेरा, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? अभी टाइम क्या हुआ है? 3:30 बजे हैं। अब तक तो वो खून करके अपने घर आराम से सो रहा होगा। आप भी जाके सो जाइए। क्या बोला? खूनी घर जाकर सो गया होगा? उसके बारे में तू उसका करेक्ट टाइम बता रहा है? मुझे तो तेरे ऊपर ही डाउट हो रहा है। सच बता दे, कहीं तू वो साइको किलर तो नहीं है? देखो, जो भी मन में आए वो बोलो मत, जाकर सो जाओ, नहीं तो आपको आकर मार देगा। एए, मैं कल सुबह तक उस साइको किलर को पकड़ के दम लूंगा, या तो वो रहेगा या फिर मैं। पास में जो विष्णु अय्यर जी रहते थे उनको किसी ने मार दिया है। हम सबको ऐसा लगता है कि ये काम साइको किलर का ही होगा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब हम घर घर में जाकर सबको होशियार कर रहे हैं। संभल कर रहिए। हो सके तो सिक्योरिटी गार्ड को भी बता देना। सर, डेड बॉडी। आइए सर। कहाँ है सर? सर, इस आदमी के राइट साइड में गले पे वार किया गया है सर। मुझे लगता है ये भी उसी का काम है। अरे यार, ये मुझे भी पता है, बहुत परेशान कर दिया है। सर, उसने 6 महीने में 14 खून किए हैं सर। इस बीच रात में कोई भी घूमता हुआ मिले तो उसे अरेस्ट कर लो। ओके सर। लेकिन ये बात प्रेस तक नहीं जानी चाहिए। नहीं सर।